बरेली के हाफिजगंज में रहने वाले एक छात्र की टिकटॉक पर वीडियो बनाते वक्त हादसा हो गया। वीडियो बनाते हुए रिवॉल्वर का ट्रिगर दबने से गोली चल गई, जिससे छात्र की मौत हो गई। बुलंदशहर में मनचले को युवती ने जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मनचले की पिटाई का वीडियो, कई दिनों से युवती को कर रहा था परेशान। दिल्ली NCR समेत UP के कई शहरों में जोरदार बारिश हुई, कई जगहों पर गिरे ओले, किसान की फसलें हुई खराब। CM ने सभी जिला प्रशासन को दिए फसलों से हुए नुकसान के आकलन के निर्देश, कई जिलों में स्कूल बंद। UP में अचानक बदले मौसम का असर मेरठ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ दो दिनों से देर रात बारिश हो रही है, जिससे ठंड का डबल अटैक हुआ है। हालांकि सुबह मौसम कुछ साफ दिखाई दिया। मौसम विभाग की माने तो देर शाम तक यहाँ फिर से बारिश हो सकती है, जिससे पारा और भी गिरने का अनुमान है। गौरव चंदेल हत्याकांड में फोरेंसिक टीम की जांच से खुलासा, गौरव की 32 बोर की गोली से की गई हत्या, कार के अंदर नहीं मिले कोई खून के निशान। सूत्रों के मुताबिक गौरव का मोबाइल भी बरामद, पुलिस को मिर्ची गैंग पर हत्या का शक। मथुरा में विद्युत विभाग में JEE की हत्या से सनसनी फैल गई, ऑन ड्यूटी JEE के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि JEE की हत्या क्यों हुई ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। हत्या क्यों की गई इसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली में एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसके कई दीवानों ने मिलकर एक दीवाने शख्स की हत्या कर डाली, जिसमें पहले तो सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, फिर तीन लोगों ने मिलकर चौथे की हत्या कर दी। युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का खुलासा कर दिया। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश अंकुर गिरफ्तार किया गया। थाना सदर बाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। बांदा में दो मासूम भाई बहन घर में खेलते हुए अचानक लापता हो गए, जिसके करीब 1.5 घंटे बाद दोनों का शव घर में ही पॉलिथीन में बंद भूसे के ढेर में अंदर से बरामद हुआ। रूह कपा देने वाली इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा गार्डों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। सोसाइटी में घुसने को लेकर सुरक्षा गार्डों ने एक इंजीनियर को जमकर पीटा और बंदूकों की बट से भी वार किया। मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मारपीट का ये वीडियो सूरजपुर थाना इलाके के ABJ हाइट सोसाइटी का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में राहगीरों से लूटपाट के दौरान ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। भीड़ में शामिल कुछ ग्रामीणों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा बरामद हुआ है, जबकि दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। बलरामपुर में जमीन के एक टुकड़े के लिए रिश्ते भी शर्मसार हो गए। जहां भाइयों ने अपने भाई को पहले रस्सियों से बांधकर घसीटा, फिर बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आनन फानन में हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आज प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन CM योगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान कृषक उत्पादक संगठनों को चेक बांटे गए, साथ ही लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गईं। कृषक यंत्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान CM ने कहा कि पहले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे, लेकिन आज किसानों के लिए कई योजनाएं हैं और PM कृषि सिंचाई योजना से भी कई किसानों को लाभ मिला है। लखनऊ के लोक भवन में प्रगतिशील कृषक सम्मेलन को संबोधित करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन 15 से 20 वर्षों में शासन की उपेक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में लापरवाही के कारण आज से 3 वर्ष पहले तक ऐसी स्थिति हो गई, जब प्रदेश के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। योगी ने कहा कि मैं अपनी सभी प्रगतिशील किसान भाई बहन का अभिनंदन करता हूं, जिनके परिश्रम से उत्तर प्रदेश की उर्वरा धरती पर कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरता की ओर पुनः एक बार तेजी से बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बनाया। किसानों की उनकी फसल का 1.5 गुना दाम देने की योजना आदि के माध्यम से आदरणीय PM की प्रेरणा से प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है।
प्रगतिशील कृषक सम्मेलन में सीएम ने किसानों को बांटे चेक, लाभार्थियों को ट्रैक्टर की 100 चाबियां, कहा पीएम कृषि सिंचाई योजना से किसानों को पहुंचा फायदा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सीजीआई जस्टिस बोबड़े ने अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजिम अली खान को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को करेगा। बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करा देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए अर्हता से कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्नाव के कुलदीप सेंगर केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 25 लाख का मुआवजा देने की मियाद 60 दिन और बढ़ाई। सेंगर ने 30,000 कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 140 करोड़ की लागत से 3 अंडरपास बनेंगे। 2 अंडरपास के टेंडर का काम पूरा होने के साथ ही एजेंसी का चयन भी हो चुका है। अब अगले एक महीने में इसका काम शुरू होने वाला है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 18 महीने में अंडरपास का काम पूरा हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर को 3 जोन के 10 सर्किल में बांटा गया। पहले जोन में 1 DCP और एडिशनल DCP रहेंगे। 3 SP की भी होगी पहले जोन में तैनाती। हर 2 थानों पर 1 SP होगा तैनात। नोएडा के थाना 20, 39, 24, 58, 49 और एक्सप्रेसवे प्रथम जोन में, दूसरे जोन में 1 DCP, 1 एडिशनल DCP, 3 SP, जोन 2 में फेज 2, फेज 3 बिजरक बादलपुर इकोटेक 3 और सूरजपुर थाने रहेंगे। तीसरे जोन में 1 DCP, 1 एडिशनल DCP, 4 ACP, जोन 3 में बीटा 2, नॉलेज पार्क दादरी, जारचा कासना, इकोटेक 1, जेवर और रघुपुरा थाने। वाराणसी में एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। यहाँ के बाबतपुर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का पिलर टेढ़ा हो गया, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के सजग होने के चलते यह हादसा टल गया। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इसकी जाँच के आदेश दे दिए। हालांकि इस हादसे के चलते आधा दर्जन गाड़ियों को प्रतापगढ़ रूट के और डाइवर्ट किया गया और बनारस से जाफराबाद जाने वाले रेल यातायात को ब्लॉक किया गया। रामनगर तेज रफ्तार का कहर, फॉर्चुनर गाड़ी ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी की मौत, बेटा और बेटी की हालत गंभीर। मेरठ पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में नामजद 16 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। वही बाकी नामजद आरोपियों की जाँच चल रही है। अगर जाँच में वो भी निर्दोष पाए गए तो और आरोपियों को भी क्लीन चिट मिल सकती है। लखनऊ में आरएसएस के नाम पर भ्रम फैलाने का मामला, नया भारत नया संविधान लेख को लेकर FIR। आरएसएस ने लेख को फर्जी बताकर कराई FIR। गोमती नगर और हजरतगंज थाने में केस दर्ज। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था लेख, संघ प्रमुख भागवत की फोटो लगाकर भ्रम, ये देश विरोधी बातें कौन फैला रहा है, ये साजिश कौन रच रहा है, क्यों एक संगठन खास को टारगेट किया जा रहा है। सहारनपुर में सड़क पर आग का तांडव देखने को मिला, जब एक कार में अचानक भयंकर आग लग गई, पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने कार में लगी आग को बुझाया, इरादतन आग लगने की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। BHU कैंपस का विवाद अब बनारस के सड़कों पर देखा जा रहा है। शहर के अलग स्थानों पर BHU VC के खिलाफ बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसमें BHU के कुलपति को हिंदी विरोधी बताते हुए इस्तीफे की मांग की गई है। हरिद्वार लखनऊ नेशनल हाईवे पर हरिद्वार वन प्रभाग में पड़ने वाली रसियाबड़ रेंज में बिगड़ायल जंगली हाथी ने आतंक मचाया हुआ है। जंगली हाथी की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिगड़ायल हाथी नेशनल हाईवे पर आते जाते वाहनों का पीछा करता है और किसी भी वक्त हाईवे पर आ जाता है। देहरादून में डोईवाला के पास सड़क पर खड़ी बस में आग लग गई, देखते ही देखते बस धू धू कर जल उठी। यह हादसा भोगपुर गाँव के पास हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस कैसे धू धू कर जल रही है। हरदोई के विद्युत उपकेंद्र 52 में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। वहीं आग लगने की वजह से इलाके के करीब 150 गांव की बिजली गुल हो गई। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को नए ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए जाने के नाम पर अयोध्या के संतों ने मोहर लगा दिया है और अब जल्द ही केंद्र सरकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने गठन की कार्रवाई पूरी कर ली है और जनवरी महीने में ही ट्रस्ट की घोषणा हो सकती है।
एएमयू छात्रों के सोशल मीडिया पर वाइस चांसलर की तुलना जनरल डायर से करने के बाद वाइस चांसलर छात्रों के बीच पहुंच गए। वाइस चांसलर तारिक मंसूर धरनारत छात्रों के पास पहुंचे और अपने साथ सोशल मीडिया पर शेयर एक 3 पेज का लेटर भी लिया हुआ था, जिसको दिखाकर उन्होंने छात्रों से जनरल डायर शब्द पर आपत्ति जताई। परीक्षा पे चर्चा में पीएम होंगे छात्रों से रूबरू, 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा में होगा कार्यक्रम। पीएम के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलंदशहर के 4 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। चारों चयनित छात्र छात्राओं को 19 जनवरी को DIOS दिल्ली लेकर जाएंगे। पीएम के साथ चर्चा में शामिल होने को लेकर सभी छात्र छात्राएं बेहद जोश में हैं। श्रावस्ती के भी 2 मेधावी बच्चों का पीएम मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है, जिसमें एक छात्र है जीवन मिश्रा और छात्रा सोनाक्षी गुप्ता। 20 जनवरी को ये बच्चे दिल्ली के तालकटोरा मैदान में होने वाले पीएम की पाठशाला में हिस्सा लेंगे, जिसे लेकर वो काफी उत्साहित है। बस्ती रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पलटने से आवागमन बाधित रहा। देर रात हुए इस हादसे से लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। मालगाड़ी बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए, जिसके बाद गोंडा और गोरखपुर से क्रेन और राहत ट्रेन को बुलाया गया। शामली पुलिस लाइन में सिपाही ने फांसी लगा ली। आनन फानन में जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को उतरवाकर अस्पताल भिजवाया। वहीं आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। झांसी मेडिकल कॉलेज के सामने संचालित जय माता दी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लंबे समय से लिंग परीक्षण कर गर्भपात कराने का कारनामा सामने आया है। पुलिस ने छापा मारकर अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने अल्ट्रासाउंड सेंटर में मशीनों के साथ साथ अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक लिंग परीक्षण कर गर्भपात के काम को 10,000 रुपए में अंजाम दिया जा रहा था। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।